नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल में और शिवरात्रि के इस एपिसोड में हर व्यक्ति चाहता है कि वो जब शिवरात्रि का व्रत करे तो उसे कोई भूल ना हो उसे कोई गलती न हो और साथ साथ में ये भी जिज्ञासा रहती है कि कौन से वार को व्रत करे या किस तिथि को वो व्रत करे शिवरात्रि का महापर्व वो, वो कैसे मनाए उसमें किन बातों का वह ध्यान रखे और कौन सी वो गलतियाँ नहीं करे जिससे उसे व्रत का पूरा पूरा फल मिले भगवान शंकर परम कल्याणकारी देव माने जाते हैं वे इतने भोले और परम करुणाकर हैं कि किसी भी विधान से चाहे शास्त्रोक्त हो वेदोक्त हो सामान्य हो सभी विधियां उन्हें प्रिय हैं छोटे से छोटे पूजन विधान से भी वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए ही तो वे देवों के देव महादेव हैं शास्त्रों में उनके पूजन की जितनी भी विधियां पाई गई है उतनी और किसी देवी देवता की नहीं मिलती क्योंकि वह देव हैं सर्व स्वरूप है महादेव को प्रसन्न करने के अनेकों व्रत और उपवास हैं जिसमें भोग और मोक्ष है वेद वक्ता महर्षियों ने दस उपवास सर्वश्रेष्ठ कहे सर्वोत्तम कहे लेकिन उन सभी में भी शिवरात्रि का व्रत महाशिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम है सर्वश्रेष्ठ है उसका फल अधिक है और यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है भगवान शिव त्रिपुरारी है समस्त संसार के नियामक हैं, शमशान वासी हैं, भगवती अन्नपूर्णा के पति और कार्तिकेय एवं गणेश जी के पिताजी हैं यह सारे देवलोक का एक ऐसा मात्र परिवार है जो रिद्धि सिद्धि सहित पूजित होता है पूजन किया जाता है भगवान शिव जिन्होंने स्वयं विस्पान करके समस्त देवताओं को अमृत पान करवाया वे शिव भोलेनाथ हैं जो प्रसन्न हो जाए तो कुबेरा अधिपति बना दें और क्रोधित हो जाए तो भस्म कर दें उन्हीं शिव का अत्यंत पुण्यदायक पर्व है महाशिवरात्रि सूर्य की ज्योति बारह प्रकार की होती है उसी से होते हैं बारह मास बारह राशियां बारह संक्रांतियां इनमें से प्रत्येक में सूर्य की एक ज्योति की प्रधानता रहती है इसी के आधार स्वरूप ज्योतिर्लिंग भी बारह हैं इन बारह ज्योतिर्लिंगों वाले स्थान में से वैसे भी सूर्य की बारह ज्योतियों में से एक की प्रधानता प्रत्येक स्थान पर रहती है ज्योति से सूर्य और लिंग से केवल शिव ही अभिप्रेत है अतः ज्योतिर्लिंग प्राय बारह शिवों से प्रदर्शित किए गए हैं अब प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाए महाशिवरात्रि का व्रत किस प्रकार किया जाए किस विधि विधान से किया जाए कि मन प्रसन्न उठे व्रत और पूजा का पूरा पूरा फल मिले तो आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं सबसे पहले बात करेंगे काल निर्धारण की जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए यदि शिवरात्रि के दिन अर्थात महाशिवरात्रि के दिन रविवार या सोमवार पड़े तो महान फलदायक माना गया है त्रयोदशी के दिन एक समय आहार ग्रहण करके चतुर्दशी के दिन व्रत करना चाहिए उसी दिन सायंकाल या रात्रि में काले तिल जल में मिला करके स्नान करना चाहिए शिव जी के निमित्त मदार कनेर मौलसरी बिलपत्र अर्पण करना चाहिए बिलपत्र की महिमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा अधिक है और बिलपत्र चढ़ाते समय उसे उल्टा करके चढ़ाना चाहिए अतः जो चिकना भाग है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए शिवरात्रि का पर्व शिशिर ऋतु अर्थात फाल्गुन मास में मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं श्रीण हो जाती है कमजोर हो जाती है और अंधकार का साम्राज्य छा जाता है उस अंधकार के निवारणार्थ शिव के संगारकारी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए अर्थात मनुष्य के मोहग्रस्त होकर के अंधकार में न पड़ जाने पर प्रकाश के अवलोकानार्थ शिव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि शिव स्वरूप कल्याणकारी का और रुद्र रूप संगारकारी होता है आइए अब बात करते हैं कि शिवरात्रि पूजन में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है क्या मुख्य मुख्य बातें हैं किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध तो होना ही पड़ता है यदि संभव हो और कठिनाई न हो तो पूजा कराने वाले को सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए आसन शुद्ध होना चाहिए पूजा के समय जो मुंह है वो पूर्व या उत्तर की तरफ करके बैठना चाहिए और कोई भी पूजा करें संकल्प जरूर लिया जाना चाहिए शिव पूजन के लिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है भस्म त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला यह जो शिव पूजन करने वाले व्यक्ति है उसके लिए विशेष सामग्री है अर्थात जो पूजा करता है उसके शरीर पर यह होने ही चाहिए एक बार फिर बता देता हूं भस्म त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला भगवान शंकर जी की पूजा में तिल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है और न चंपा का पुष्प चढ़ाया जाता है यह बात ध्यान रखिए कि न तो तिल का प्रयोग होता है और न चंपा का पुष्प चढ़ाया जाता है शिव जी की पूजा में दूरवा तुलसी चढ़ाया जाता है इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है और तुलसी की मंजरियों से पूजा बहुत अधिक शुभ मानी जाती है बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है शिवजी के लिए विशेष पत्र और पुष्प में पत्र प्रधान है किंतु पत्र में चक्र और व्रज नहीं होना चाहिए बिल्व पत्र में जो कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है सफेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहा जाता है और बिल्वपत्र के जो डंठल की ओर छोटा सा मोटा भाग होता है उसे वज्र कहा जाता है वह भाग तोड़ देना चाहिए बिल पत्र चढ़ाते समय बिल पत्र में तीन से लेकर के ग्यारह दलों के बिल पत्र प्राप्त होते हैं यह जितने अधिक पत्रों के होंगे उतने ही उत्तम माने जाते हैं आपने कई बार देखा होगा कि बिल पत्र में तीन पत्तों की जगह चार पत्ते हैं किसी में पांच पत्ते हैं तो वो और ज्यादा शुभ माना जाता है और ज्यादा अच्छा माना जाता है तो सामान्य तौर पर देखा गया तो तीन से लगा करके ग्यारह जो पत्ते होते हैं वो वाला बिल पत्र भी देखने में आता है यदि कोई पत्ता टूटा हुआ हो या उसमें छेद हो ठीक वो जानवरों द्वारा खाया हुआ हो तो वह बिल पत्र चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता है आक का पुष्प और धतुरे का पुष्प भी शिव पूजा की विशेष सामग्री है किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है वह है नीलकमल और इसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प होना चाहिए कमल का पुष्प चढ़ाया जा सकता है कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत ज्यादा प्रिय है और कुमदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है तुलसी और बिलपत्र सर्वदा शुभ माने जाते हैं सर्वदा शुद्ध माने जाते हैं ये बासी नहीं होते आंवला कमल पुष्प अगस्त्य पुष्प यह भी पहले दिन तोड़ करके लाए हुए दूसरे दिन उपयोग में काम में लिए जा सकते हैं एक दिन में इनको भी बासी नहीं माना जाता है भगवान शंकर के पूजा के समय आपने देखा होगा लोग ताली बजाते रहते हैं आरती में लेकिन शंकर भगवान की पूजा में ताली नहीं बजाई जाती है अर्थात कर ताल नहीं बजाया जाता है शिवजी की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस भाग को उल्लंघन नहीं किया जाता है उसको लांगा नहीं जाता है वहीं से वापस प्रदक्षिणा उल्टी की जाती है शिवजी की पूजा में जो पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ सबसे पहला है कूटज, नागकेसर बंदूक मालती चंपा चमेली कुंद जूही मौलीसरी रक्त जवा मल्लिका और केतकी ये पुष्प शिवजी पर नहीं चढ़ाए जाते हैं दो शंख दो गोमती चक्र दो शिवलिंग दो गणेश जी की मूर्ति दो सूर्य की प्रतिमा और एक साथ में तीन दुर्गा जी की प्रतिमाओं का पूजन नहीं करना चाहिए इससे दुख की प्राप्ति होती है अब बात करते हैं परिक्रमा की भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है दुर्गा जी की एक बार होती है गणेश जी की तीन बार परिक्रमा होती है विष्णु की चार बार होती है तथा सूर्य की सात बार परिक्रमा करनी चाहिए शिवजी को भांग का भोग अवश्य लगाना चाहिए लोगों की यह धारणा है कि शिवजी को लगाया हुआ भोग भक्षण नहीं करना चाहिए ग्रहण नहीं करना चाहिए जो कि गलत है केवल शिवलिंग को जो स्पर्श कराया हुआ भोग होता है वह आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए वह नहीं लेना चाहिए यह बात सही है तो जो आपकी जिज्ञासा थी कि शिवरात्रि आपको कब मनाना चाहिए किस विधि से मनानी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए यह सब मैंने बताने का प्रयास किया है आपको ये एपिसोड कैसा लगा यह जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाएं और आप और कौन से विषय में जानना चाहते हैं आप और कौन से फेस्टिवल के बारे में कौन से व्रत के बारे में या कौन से त्यौहार के बारे में जानना चाहते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं जिससे कि आने वाले समय में वे एपिसोड तैयार करके भी आपको बतलाए जा सकें आपको दिखाए जा सकें जिससे आप जो भी व्रत आप करें जो भी पूजा करें वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में करें जिससे आपको खुशी भी हो और उस व्रत का उस पूजा का फल भी आपको पूरा पूरा मिले तो इस एपिसोड में आज यहीं विराम देते हैं स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें अपना अपने परिवार का अपने घर के बच्चों का और जीवन साथी का बहुत बहुत ख्याल रखें आप सबको मेरा नमस्कार शुभकामनाएं ईश्वर आपकी रक्षा करें भोलेनाथ आपकी रक्षा करे महादेव आपको सर्व सुख दे सातों सुख दे धन्यवाद